Good morning. Good morning. जी सलाम अलैकुम। अब मेरी थोड़ी सी गुड मॉर्निंग हो गई, अभी भी हो रही है और ये तकरीबन 1:55 हो रहे हैं, सवा दो रमजान है। इस वक्त गले का याद होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रवानी में आ जाता है। मैं आप लोगों से माजरत भी करता हूँ कि आप लोग को का बड़ा पने आप नात की फरमाइश करते हैं, वरना ठहरे हो तो बड़े बड़े नात हैं हमारे पास पाकिस्तानी, वो मैं इसलिए नहीं कर पाता कि इस वक्त गले का याद होता है। सेट तक पहुँचते हुए तो कुछ बेहतर हो जाता है, फिर थोड़ा सा और बेहतर, इस तरह आज से जाके अभी मैं जो बाल वगैरह करूँ तब सारा वक्त मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाए गले। चलो भाई है नहीं अपार्टमेंट से कोई 60 सेकंड की मुसाफत है सेट, मेरे वक्त सिर्फ दौड़ते हुए तय करता है। दौड़ लगानी पड़ेगी। शाह ने रमजान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया और जो हम 2:15 बजे जिले दाखिल हुए थे तो भी तकरीबन 7:30 बजे रहे। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ साथ हमारा ऑफिस रूम है जहाँ थोड़ा थोड़ा सा ज़रा तसल्ली बैठ के तसल्ली से बैठ के पानी वाली दे लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आगे इलाज कार और फिर उसकी कार की सेहत के लिए शुरू रहती है। ये फादे का नाम हमारे कमरे के सामने, ये हमारे कमरे, ये हमारे टीम मेम्बर हैं फंसी का। और हम ज़रा कुछ खा लें उसके बाद फिर आपको दोबारा करते हैं। जब से पहली शाह ने रमजान किया था तब से हैं तो उससे ही पहले थे। नहीं मेरा तो बात है खुश हूँ नहीं आगे आगे ओ वसीम बदामी बाय हाँ बाय। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकअल्लाह वसीम भाई, थैंक यू सो। ये हमारा शहजादा है जो यहाँ हमारे रूम के बाहर होता है। अपने कमरे में दाखिल हो गए। आ जाए इस वक्त जब मैं कमरे में दाखिल होता हूँ तो पहले मुझे होता है कि नमाज फौरन पढ़ ली जाए, इसलिए फिर एक दफा बेड पे चले या फिर उठने की हिम्मत, सोते तो नहीं है लेकिन है कि फिर किताबें वगैरह मंगवा लेते हैं, वो किताबों का एक आपको यहाँ पे नज़र आएंगी काफ़ी, तो फिर हम जो है वो किताबें वगैरह खोल लेते हैं, लैपटॉप खोल लेते हैं, काम वगैरह शुरू हो जाता है। तो बस अब हम ज़रा अपनी यारी तैयारियाँ करते हैं, फिर थोड़ी देर में हमें आज तो 8 बज रहे हैं और आज चूँकि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ताखरात भी है, तो आज 2 के बजाय हमें 1 बजे नशरियात शुरू करनी है। तो बस थोड़ी देर में हम टीम को बुलाएंगे, सहरी के नशरियात का ये प्रिपरेशन का आगाज हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। वालेकुम अस्सलाम, ये मेरे पड़ोसी आ गए भाई। ओए ओए ओए, ये मेरे पड़ोसी हैं जो मुझे नहीं मेरा बड़ा ख्याल करते हैं, मुझे चाय पिलाते हैं रोजाना। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मतलब छोटू साहब कहाँ हैं भाई? दोनों साथ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं रूम में? बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। अच्छा बैठाओ,
अच्छा ओके जी, तो जा रहे थे, सोचा है मिलके जाएं। मिलके जाएं, वाह 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 क्या बात है। मैं तो भाई आराम से नीचे बैठ जाता हूँ। आज अगर जीतो मैं, फहद भाई ने कुछ कहा और आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला, तो कल से दरवाजा लॉक हो जाएगा। ठीक है, देख रहा हूँ मैं लगा के। ठीक है ना, और क्या हाल है? और आप नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने? यार मैं नहीं आ सकता, इसलिए मुझे बहुत काम करना। मतलब मैं रोजा पूछा कि शमी, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, कल मुझे पता चल गया था कि आप लोग खेलने वाले हो। मुझे जैन भाई ने बता दिया था कि मैच शुरू हो गया, आवाज़ें भी आ रही थी, इतना काम कर रहा था मैं, हिम्मत नहीं सकी। और आज तो 1 बजे ट्रांसमिशन शुरू होनी है, रोजाना 2 बजे होती है ना, आज 1 बजे होनी। मैं ऐसा करूंगा बिल्कुल जो लास्ट डेज होंगे ना, 27 रन 28 रन उसमें आऊंगा खेलना। आज बड़ा काम है। ठीक है, खुश है आप? मुझे तो पाकिस्तान जाना है, आप लेट हो गए। जाए जाए जाए, पैंट शर्ट पहनाओ यार। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अच्छे लग रहे हैं भाई, जबरदस्त। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, थैंक यू। ये हमारे बड़े जबरदस्त पड़ोसी हैं, इनका बराबर नहीं घर है, नहीं है कमरा है दीवार के, है जी मतलब बिल्कुल साथ ही। दिखाते ना बल्कि आपको कमरा दिखाते हैं, जल्दी से आए आए। ये आपने हमारा रूम देखा, ये तो यहाँ पर जो है ये दानियाल भाई है। दानियाल भाई जो है वो ही इज द मैन बिहाइंड अहमद शाह, सारी की सारी जो काविश है ना वो ये है दानियाल भाई से। नहीं हो तो ये नहीं, आपकी बड़ा ये हमारी कमरे का दूसरा दरवाजा है, और ये दरवाजा है ये डॉक्टर साहब का, यहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब। और वो जो कॉर्नर वाला दरवाजा नजर आ रहा है, दायरे में अंधेरा है, कम नजर आ रहा होगा, तो वो हमारी टीम के लोग हैं जिनको मैं हर वक्त कभी सुबह 6 बजे कभी 6:30 बजे धड़ 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 दरवाजा मार के कहता हूँ आ जाओ भाई आ जाओ बैठेंगे, और फिर हम बैठे रहते हैं। रात गए हम भी जा रहे हैं कमरे में दोबारा। आइए, ये अच्छे मौके पे हैं। वो सारे लोग तो मुझे कहते हैं कि अपने को ख्याल नहीं रखते अपनी सेहत का, ये देखें ये अमली सबूत है। ये मैं ये स्टीम लेता हूँ रोजाना, मेरे एक दोस्त ने मसूद साहब उन्होंने अपना जिम्मा बना लिया, मुझे दिन में इफ्तार के बाद 4 मैसेज करते हैं कि भाई आपने स्टीम लिया नहीं ली, तो वो मुझे फिर बहाना याद आ जाता है। तो ये मैं अच्छा 2 मिनट पहले नहीं है, ये पूरी चादर ऊपर लेके हम बड़ी ज़बरदस्ती स्टीम ले लेते हैं, थोड़ा बहुत उससे फ़र्क पड़ जाता है। और ये जो है वो हमारी कंटेंट टीम की जो है वो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, मोहसिन भाई और डॉक्टर अली इमरान साहब, और हम इस तरह बैठे हुए होते हैं। हमारे औकात हैं तकरीबन, यानी इफ्तार के बाद हम बैठते हैं, समझ लें कि 11 बजे तो बैठ ही जाते हैं, 11:30 बजे और बैठे होते हैं हम, यानी 1:30 बजे तक जब तक नशरियात के लिए मैं ना चला जाऊँ। और शहर के बाद हम बैठते हैं सुबह 6 बजे और औसतन तकरीबन 9 बजे तक बैठते हैं। खाना आमतौर पर नीचे सही तरीके से खाते हैं, आधा वक्त कम है चूँकि आज वो थाक रात है पहली और उसकी नशरियात है, थोड़ा जल्दी है, इसलिए हमने कहा कि एक हाथ में स्क्रिप्ट यहाँ खाना और ये सब साथ ही चल रहा है। अब हम खाना खा ले जरा, मैं खाना खरीद लूँ भाई। तकरीबन 4:45 बजे सर की नशरियात अपने अख्ताम को, अब जाएंगे रूम में और उसके बाद जो है वो नमाज के बाद जरा फ्रेश होने के बाद फिर टीम के साथ बैठेंगे दोबारा इंशाल्लाह। अभी लेट गए होंगे, अभी नींद में आराम करूंगा, ना सोएंगे ना सोने देंगे। आ जाए सर, ये सो रहे हैं पर इनके मैं नहीं आराम करूंगा। डॉक्टर साहब
अपने जुमला से उन्होंने कहा यार क्यों मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ यार, फिल्म आई जाए आ जाओ यार जल्दी आ जाए भाई। इस तरह मैं इनका सुकून रोजाना बर्बाद करता हूँ, जरूरत अच्छे माहौल में हम उठाया था। आ जाओ आ जाओ। तो एक रहते हैं छोटे डॉक्टर साहब वो इस कमरे में रहते हैं, और वो बड़े डॉक्टर साहब मेरे टीम में से हैं उस कमरे में रहते हैं। तो एक डॉक्टर साहब मुझे बहुत तंग करता है, एक डॉक्टर साहब को मैं बहुत तंग करता हूँ, अली इमरान साहब और बहुत सब। डॉक्टर साहब ये मोहसिन भाई हमारे टीम के बड़े जबरदस्त जो है वो मेंबर हैं, और हमारा रमजान के अलावा भी बड़ा रब्ता रहता है, घर में आना जाना रहता है, और चूंकि जाहिर है रमजान की तैयारी किसी ना किसी हवाले चल ही रहती सारा साहब, और रमजान में दो बच्चे पड़ोसी हैं और डॉक्टर अली इमरान साहब हमारे टीम मेंबर भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो अभी भी आ रहे हैं। अब जो नशिस्त शुरू हुई है 5:30 बजे, इसका नहीं पता ये इसका कुछ नहीं पता क्या खत्म हो गई। और नशिस्त का एक और मसला भी है कि अगर हम सिर्फ नशिस्त को अपने काम तक महदूद रखें ना कि क्या करना है, तो शायद फिर भी कुछ थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जब बात से बात निकलती है तो कोई किसी मौजू में जाहिर टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर वो गुफ्तगू में बहुत निकल जाता है। तो बात से बात निकलते 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 कभी 8, कभी शुरू शुरू में जाए तो 9:30, और कभी फिर 8, 8:30, 9, तो फिर पता नहीं होता किसी को। इसका शुरू होने का टाइम है, खत्म होने का टाइम नहीं है। नशिस्त फाइनली बर्खास्त हो गई है और अब आराम किया जाएगा। क्या ये